पाकिस्तान में डे बाय डे इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च होती जा रही है। पिछले दिनों दीपाल ने अपनी दो गाड़ियों को लॉन्च किया और BYD ने अपनी तीन गाड़ियों को इंट्रोड्यूस करवाया और GWM की ओरा 7 भी पाकिस्तान में आई। अब फाइनली किया कंपनी भी कह रही कि हम भी अपनी एक इलेक्ट्रिक गाड़ी को लॉन्च करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में अभी तक किया की जो गाड़ियाँ भी आती है वो कोई भी हाइब्रिड या तो इलेक्ट्रिक नहीं है, तो अब फाइनली पाकिस्तान के अंदर भी किया कंपनी कह रही है कि हम लोग भी अपनी एक हाइब्रिड या तो इलेक्ट्रिक गाड़ी को लॉन्च करें। किया कंपनी का प्लान तो बन रहा है कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर किया सोरेंटो का एक हाइब्रिड वेरियंट लॉन्च करें जो कि न्यू जनरेशन के साथ आएगा और किया स्पोर्टेज का एक हाइब्रिड वेरिएंट को लॉन्च करे जो कि न्यू जनरेशन के साथ आएगी। लेकिन अभी जो उनकी प्रॉपर एक न्यूज आई है वो आई है किया EV9 के तौर पे। किया की कंपनी की बहुत सारी ईवीज सेडान्स में भी आती है, SUVs के भी अंदर आती है। कंपनी के सोर्सेज से हमें ये डिटेल मिली कि पाकिस्तान में किया कंपनी किया EV9 को लॉन्च कर सकती है। ये एक फुली क्रॉसओवर SUV है जो कि 7-सीटर ऑप्शन के साथ आती है और ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इस गाड़ी में इंटरनेशनली काफी सारे वेरिएंट्स आते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी की कंप्लीट डिटेल दूंगा कि ये किस बैटरी पैक के साथ आती, क्या फुली चार्ज में रेंज देती, किस फीचर्स में आती और इस गाड़ी के पाकिस्तान में प्राइस क्या हो सकते हैं। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कंप्लीट डिटेल वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले हम लोग गाड़ी के बैटरी पैक की तरफ आते हैं तो इस गाड़ी के अंदर 99.8 किलोवाट पर आवर की बैटरी मिलती है जो कि फुली चार्ज के अंदर अराउंड आपको 600 किलोमीटर की रेंज देती है। गाड़ी के कुछ फीचर्स की तरफ आ जाए तो ये स्पेसिफिक गाड़ी GT Line है, तो GT Line के अंदर आपको थोड़े ज्यादा फीचर्स मिलेंगे। जो कि टॉप स्पेक्स फीचर वाला वेरियंट है वो GT Line आता है। GT Line एक बेसिकली स्पोर्टी वेरियंट भी। इंटीरियर देखते तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत फिनिशिंग में आ जाता है। ये साउथ कोरियन कंपनी की गाड़ी है तो आप ऐसा इंटीरियर हुंडई की भी गाड़ियों में देखेंगे और किया की भी न्यू प्रोडक्ट्स के अंदर देखेंगे। कंप्लीट लेदर सीट्स मिलेगी, हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाएगी और इस गाड़ी की रेस सीट्स भी आपको हीटेड और वेंटिलेटेड मिलती है, जैसे कि आपने ZX में लैंड क्रूजर में देखा होगा उसी तरह से इस गाड़ी की फ्रंट और रेयर दोनों सीट्स में हीटेड और वेंटिलेटेड की ऑप्शन दी जाएगी। मेमोरी फंक्शन के साथ मिलेगी, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल मिलेगी, स्टीयरिंग व्हील मल्टी फंक्शन मिलेगा और इसके किया के लोगों में ग्लो करती हुई आपको लाइट भी नजर आएगी। ऑटो लैंप्स वगैरह मिल जाते हैं, वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, 4-zone क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो इस गाड़ी का गेयर नॉब भी आपको स्टीयरिंग की बैक साइड पर मिलेगा जिसको आप शिफ्ट कर सकते हैं सिर्फ एक बटन के थ्रू। गाड़ी में पैनारोमिक वाइड डिस्प्ले मिलेगा जो कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंप्लीट डिजिटल स्क्रीन के साथ आता है। जो कि इस गाड़ी में इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलेगी वो भी कंप्लीट डिजिटल मिल जाती है। उसके अंदर आपको एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो का फंक्शन दिया जाता है, वायरलेसली आप कनेक्ट कर सकते हैं और इसमें 360 डिग्री कैमरा का भी सेटअप दिया जाता है और मैसेजर सीट्स को अगर आप ऑन एंड ऑफ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इस गाड़ी में जो कि बटन्स मिलेंगे वो आपको सिर्फ टच कंट्रोल के साथ मिलेंगे, आप सिर्फ टच करेंगे इसके ऑटोमेटिक बटन से आप इसके कंट्रोल्स कर सकते हैं। मैनुअल बटन्स भी मिलेंगे और साथ आप इसके फीचर्स को एक स्क्रीन से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि आपने एक जर्मन कार्स में देखा होगा सिर्फ आपको स्क्रीन प्रोवाइड की जाती वो कर सकते हैं। जो कि गाड़ी के साइड मिरर्स होंगे उसके अंदर आपको एक मिरर नहीं दिया जाएगा, उसमें आपको कैमराज मिलेंगे जो कि आपको डिजिटल साइड व्यू मिरर प्रोवाइड करते हैं। ऑटो डिमिंग मिरर के साथ उसमें आपको रे व्यू मिरर कैमरा भी दिया जाता है। ये साउथ कोरियन ब्रांड की गाड़ी और एक तो इलेक्ट्रिक है तो इसमें एम्बियंट लाइट्स भी मिलेगी जिसको आप डिफरेंट कलर से एडजस्ट भी कर सकते हैं। एक्सटीरियर प्रोफाइल पे आते तो इस गाड़ी के एक्सटीरियर प्रोफाइल से भी लुक्स काफी लग्जूरियस है और ये प्रॉपर एक SUV लगती है, लेकिन ये है तो एक क्रॉसओवर। फ्रंट पे देखते तो इसके कंप्लीट LED लैंप्स मिलते हैं जो कि आपको DRLs के साथ मिल जाएगी, ऑटो लैंप्स और साथ इसमें एडेप्टिव लाइट्स मिल जाती है जिसमें आपको काफी ज्यादा अच्छे फंक्शंस ग्लो करते हुए नजर आते हैं। फ्रंट पे किया का न्यू लोगो मिल जाएगा। ये गाड़ी रडार भी ऑफर करती है और साथ एडास फीचर्स को भी सपोर्ट करती है। फ्रंट एंड रेयर पार्किंग सेंसर्स मिल जाएगा और जैसे कि आपने इसके साइड मिरर्स ही देखे तो उसमें मैंने आपको बताया कि कैमरा मिलते हैं, तो इनमें कैमराज मिलेंगे, मिरर नहीं दिया जाएगा। जो आपको इंटीरियर पे एक स्क्रीन मिलती है वहां पे आप इनको देख सकते हैं, इसके रेव्यू कैमरा, उसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, हर तरह का फीचर भी दिया जाता है। और साथ देखते तो कंसील डोर हैंडल्स मिलेंगे जो कि लॉक अनलॉक के साथ वर्क करते हैं। यहाँ पे आपको 20 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि किया के लोगों के साथ मिल जाते हैं और किया का लोगो ग्लो करता हुआ नजर आता है। इस गाड़ी में एडास मिलता है तो इसमें फ्रंट रेयर पार्किंग सेंसर, एंटी कोलिजन सिस्टम, लेन डिपार्चर लेन असिस्ट और साथ सेंटरिंग कीप असिस्ट और इसमें ऑटो पार्क का भी फीचर दिया जाता है और रेड क्रॉस ट्रैफिक लाइट भी मिलता है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और साथ इसमें जो भी एडास के फुली फंक्शन होते हैं वो सब इसमें दिए जाते हैं। यहाँ पे बंपर आपको 2-tone में मिलेगा, साथ सिल्वर और साथ पियानो ब्लैक की कॉम्बिनेशन में मिलता है जिसमें सेंसर्स इक्विप किए जाते हैं और फ्रंट पे भी सेंसर्स मिल जाते हैं। पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी और साथ इसमें रूफ रेल्स भी मिल जाएगी क्योंकि ये क्रॉसओवर है। तो जैसे कि मैंने आपको इस गाड़ी की कंप्लीट डिटेल दे दी कि इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स ऑफर किए जाते हैं, इस गाड़ी में कौन सा बैटरी पैक मिलता है, अब इस गाड़ी के प्राइस की तरफ आते हैं। अमेरिकन डॉलर्स में इसकी कन्वर्टिंग करते तो इसके तकरीबन प्राइस 2 करोड़ के आसपास बनते, लेकिन पाकिस्तान में अगर टैक्सेस के साथ देखेंगे तो ये तकरीबन अराउंड 2.5 करोड़ रुपए के प्राइस में लॉन्च की जा सकती है। जब किया कंपनी इसको लेकर आएगी CBU वेरियंट में ही लाएंगी पहले, उसके बाद सोचेगी कि लोकली असेंबल किया जाए या ना किया जाए। पाकिस्तान में दिन ब दिन EV कार्स लॉन्च होती जा रही है तो अभी एक हफ्ते के अंदर तकरीबन 6 गाड़ियां ऐसी लॉन्च हुई जो कि पाकिस्तान में चाइनीज ब्रांड ने लॉन्च की है, तो अब फाइनली साउथ कोरियन ब्रांड भी लॉन्च करने जा रही है और होंडा की तरफ से भी एक खबर है वो भी अपनी हाइब्रिड गाड़ी लॉन्च करेगी। टोयोटा की तरफ से अभी हाइब्रिड क्रोला आई थी तो अब उसके बाद देखते कि टोयोटा क्रोला की न्यू जनरेशन आती है नहीं आती। EV9 2024 के एंड के अंदर लॉन्च कर दी जाएगी पाकिस्तान में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़।